उत्तर प्रदेश से आई बड़ी खबर, कौन है यूपी बीजेपी के नए अध्यक्ष, क्या है बदलने की वजह, राजनीति में कब क्या हो जाए ये कहा नहीं जा सकता, ठीक वैसे ही जैसे ऊंट किस करवट बैठ जाए ये नहीं कहा जा सकता। और अब पिछले कुछ सालों से तो ये बहुत ज्यादा हो रहा है। अब खबर है भारतीय जनता पार्टी को लेकर, जहां एक ओर दिल्ली में उन पर विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप लगा है, तो वहीं यूपी में बीजेपी अध्यक्ष योगी सरकार के मंत्री भूपेंद्र चौधरी बन सकते हैं। जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश में योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी को बीजेपी का नया अध्यक्ष बना सकते हैं। जाहिर है कि भूपेंद्र चौधरी ने इस मामले को लेकर दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात की। बस उसी मुलाकात के बाद से ये अटकलें और तेज हो गईं। अब माना जा रहा है कि बीजेपी नए प्रदेश का अध्यक्ष का ऐलान कर सकती है। अब भूपेंद्र चौधरी को अध्यक्ष बनाने के पीछे क्या कारण है ये भी आप सुन लीजिए। पश्चिमी यूपी के जाट समाज से आने वाले भूपेंद्र सिंह चौधरी के जरिए बीजेपी सूबे में क्षेत्रीय और जातीय दोनों ही संतुलन बनाने का दांव चल सकती है। बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष के लिए केंद्रीय नेतृत्व की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से शुरू हुई कंसल्टेशन की प्रक्रिया उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य बृजेश पाठक के साथ होते हुए यूपी में कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह के साथ पूरी हो चुकी है। गौर करने वाली बात यह है कि यूपी बीजेपी के अध्यक्ष पद की रेस में जाट समुदाय से आने वाले भूपेंद्र सिंह का नाम सबसे आगे है। बीते विधानसभा चुनाव में भी भूपेंद्र सिंह चौधरी ने जाटों की नाराजगी दूर करने के लिए मुख्य भूमिका निभाई थी, जिससे बीजेपी के वोटर उन्हीं के पास थे। इस वक्त वह योगी सरकार में पंचायती राज मंत्री हैं। जाहिर है कि भूपेंद्र सिंह चौधरी की पहचान एक जाट नेता के तौर पर होती है। विधानसभा चुनाव के दौरान इन्होंने जाट समुदाय को जुटाए रखने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। उनकी जाट बिरादरी और पश्चिम यूपी में मजबूत पकड़ है। भूपेंद्र सिंह की पकड़ का ही नतीजा रहा कि यूपी के पिछले चुनाव में बीजेपी ने भले ही पूर्वांचल में उम्मीद के अनुसार सफलता कम हासिल की हो, लेकिन पश्चिमी यूपी में किसान आंदोलन के बाद शानदार जीत मिली थी। इसी जीत का भूपेंद्र चौधरी को इनाम भी मिला। योगी सरकार में भूपेंद्र चौधरी को प्रदेश में दूसरी बार मंत्री बनाया गया। बताते चलें कि भूपेंद्र चौधरी ने आजमगढ़ मऊ का कार्यक्रम बीच में ही छोड़ दिया और दिल्ली के लिए निकल गए थे, तभी प्रदेश अध्यक्ष के लिए उनका नाम तय माना जा रहा है। भूपेंद्र सिंह चौधरी एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने किसान आंदोलन के दौरान जब किसान बीजेपी के विपक्ष जा रहे थे तो उन्हें बनाए रखने में काफ़ी अहम भूमिका निभाई थी, और भूपेंद्र सिंह की बदौलत किसान बीजेपी से कटे नहीं थे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।